रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र का त्यौहार हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है जिसको पूरा भारत देश बहुत ही ज़्यादा गर्व के साथ मनाता है। नवरात्र का जो शब्द है यह एक संस्कृत शब्द है जिसका कि अर्थ होता है नौ रातें, और इन नौ रातों में तीन देवियों के स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह तीन देवियां हैं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता काली, और इन तीनों स्वरूपों को नव दुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार के नवरात्र का आखिरी दिन 7 अक्टूबर यानी सोमवार को पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, 8 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि माँ दुर्गा जाते जाते अपनी कृपा कुछ राशि वालों के ऊपर बरसाने वाली हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इन राशि वालों का परिश्रम का फल अब इन्हें मिलने वाला है। इन राशि वालों के जीवन पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इन राशि वालों के ऊपर आदिशक्ति माँ दुर्गा की कृपा बरसने वाली है जिससे कि इनका आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है और इनके अब भाग्य भी खुलने वाले हैं। तो चलिए, अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली राशि है सिंह राशि। आपको बता दें कि नवरात्र में बन रहे इस शुभ योग से सिंह राशि के लोगों को बड़ा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में अब सुधार देखने को मिलेगा। आपको नए रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। आपके नौकरी के लिए किए गए सभी प्रयासों का परिणाम अब आ गया है और आपको अब बहुत जल्द ही नौकरी भी मिलने वाली है। धन संपत्ति जो आपके पूर्वजों के द्वारा रखी गई हो आपके लाभ का कारण बन सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी आप पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। बता दें कि इस नवरात्र के बाद तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ योग बन रहा है और इसी शुभ योग की वजह से इन्हें काफ़ी सारा लाभ होने वाला है। आपको व्यापार में खूब सारा धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहने वाला है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। कुछ लोगों को तो इतना ज़बरदस्त लाभ मिलने के योग हैं कि मानो उनका राजयोग शुरू हो चुका हो। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। बता दें कि इस नवरात्र के बाद से कन्या राशि वाले लोगों के लिए अच्छा संयोग बन रहा है। इन लोगों को इस संयोग के बाद से काफ़ी सारा धन का लाभ होगा। आपको नौकरी में खूब तरक्की मिलने वाली है। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। इस समय शुरू किया गया कार्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार सुधरती जाएगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। आपके कारोबार में बढ़ोतरी भी होने वाली है। कोई सरकारी कार्य भी इस समय पूरा होने के योग बन रही हैं। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि वालों का तो मानो भाग्य ही खुलने वाला है। बता दें कि आने वाले 3 से 4 महीने आपको जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी ही कामयाबी मिलने वाली है। आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा बनी हुई है। लगातार किया हुआ प्रयास आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आपके लिए आने वाले दिन उत्तम फलदायी रहने वाले हैं। किसी भी विशेष निर्णय के लिए आपके लिए ये समय उत्तम रहेगा। आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा बन रही है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों का अब अच्छा समय शुरू हो जाएगा।
आपको हर काम में अब तरक्की मिलने वाली है। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जितना हो सके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दें।